सिहारा के चीनी मिल स्थित डिस्लरी प्लांट में सीढ़ियों से गिरकर एक श्रमिक की मौत हो गई। बता जाए कि नगर के मोहल्ला चौधरा निवासी 35 वर्षीय नुसरत डिस्लरी का काम करते वक्त 15 फीट ऊंची सीढ़ी से गिर गया। नुसरत के सर में चोट आने के कारण उसे गंभीर हालत में मिल प्रशासन द्वारा मुरादाबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। श्रमिक की मौत के बाद मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं ने मुआवजे की मांग को लेकर धरना दिया। सिहारा निवासी नूरपुर विधायक नईमुल हसन के हस्तक्षेप के बाद श्रमिकों ने धरना समाप्त कर दिया। सिहारा से नजर सिद्दीकी की रिपोर्ट। नुसरत का हादसे दर्दनाक हादसा हुआ इस शहर के लिए। जवान बच्चा था जो मिल के अंदर जॉब करता था, उसके पोस्टमार्टम के बाद मिल प्रबंधक मिल वालों के लोगों के साथ सबके साथ बैठकर वार्ता हुई। उस वार्ता के अंदर जो परिवार के लोग चाहते थे कुछ बातें मान ली गई, कुछ चीज़ों को प्रबंधक साहब ने ये कहा है सुखबीर सिंह जी ने कि मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप 3 दिन के बाद जो भी बिल्कुल अच्छा हो। अभी कौन कौन सी बातें मान ली गई? अभी एक तो जो परिवार की तरफ से बातें रखी गई थी, क्योंकि वहाँ पर भाई भी दर्शक और काफ़ी सारे सम्मानित लोग वहाँ पर मौजूद थे शहर के, तो सब लोगों की जो डिमांड्स थी, जो बातें थी, उसमें ज़्यादातर बातें मानी गई। और जो कुछ बातें रह गई, जैसे कुछ थी जो जीएम साहब ने कहा कि मुझे कुछ वक्त चाहिए, उसे मैं पूरा। तो वही तो वो क्या क्या बातें थी जो उन्होंने मानी? बातें ये थी जैसे कि उसका इंश्योरेंस था वो करीब 18-19 लाख रुपये का ये बनेगा जो उसके परिवार को मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ उससे हम सबकी जो डिमांड थी वो ये थी कि इसके बच्चों को सैलरी मिले। लेकिन सैलरी पे ना होकर के उन्होंने अभी कहा है कि 5,000 रुपया हम परिवार को देंगे माहवार महीना। और दूसरा ये है कि एजुकेशन को इसके लिए मैं लेटर लिख करके पूरे, जैसे हमारे यहाँ पहले शायर साहब थे उनको मिल की तरफ से मिलता था, उन्होंने कहा है अब इस बात को बाहर नहीं कर सकते, लेकिन इस तरीके पूरा रहेगा आश्वासन दिया है प्रबंधक ने, जो वादा किया है उसका पूरा खड़ा होगा।